नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज हम आए हैं भगवान श्री राम की पावन धरती अयोध्या में। और सबसे पहले हम यहां पर आए हैं राम की पैड़ी, जहां पर लोग स्नान करके जाते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने के लिए। अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है वहाँ भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। और ये जो राम की पैड़ी है बहुत ही एक खूबसूरत इसे बना दिया गया है। पहले से आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी क्लीन और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये सरयू नदी से लगा हुआ ये पूरा ये राम की पैड़ी है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्राचीन आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए, स्नान करने के लिए। कहते हैं कि राम की पैड़ी पर जो लोग स्नान करते हैं यहाँ का बहुत ही पुण्य मिलता है। और इसीलिए यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं राम की पैड़ी पर दर्शन करने के लिए और नहाने के लिए। तो इसके पीछे भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये सब हजारों साल पुराना है। और किसी ज़माने में यहाँ पर भगवान श्री राम और उनके जो वंशज रहे होंगे कभी इन्हीं घाटों पर आया करते रहे होंगे और यहाँ पर वो लोग भी स्नान करते रहे होंगे। तो चलिए आपको पास से दिखाते हैं ये राम की पैड़ी। अयोध्या में दोस्तों हम एक दिन के लिए आए हैं और सबसे पहले हम इस राम की पैड़ी पर ही आए। बहुत नाम सुना था इस जगह का और इसका धार्मिक महत्व भी है, तो इसीलिए हम भी अयोध्या में सबसे पहले इस राम की पैड़ी पर आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आते हैं स्नान करने के लिए। यहाँ का स्नान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है और इसीलिए यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं इस राम की पैड़ी पर स्नान करने के लिए। ये जो घाट है, घाट भी काफ़ी क्लीन है और बहुत ही स्वच्छ है। यहाँ का साफ़ सफाई भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से इस राम की पैड़ी पर आपको एक भी गंदगी भी देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर स्नान करना हर लोगों की एक खासियत भी बन जाती है और जगह भी क्लीन होने की वजह से लोग यहाँ पर अपने आप खींचे चले आते हैं। इस घाट के उस पार भी आप देखेंगे तो आपको बहुत ही प्राचीन हजारों साल पुराना है आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अद्भुत मंदिर है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जब कभी भी अयोध्या में आइए तो इन सारे जगहों पर आइए, दर्शन कीजिए, इस राम की पैड़ी पर स्नान करिए। यहाँ स्नान करने से कहते हैं कि बहुत ही पुण्य मिलता है और इसीलिए यहाँ पर लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से स्नान करने के लिए भी। पानी उतना गहरा भी नहीं है, आप आसानी से इस घाट पर आके स्नान कर सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत जगह है दोस्तों, मेरा तो मन खुश हो गया अयोध्या में आकर। अभी हम दोस्तों अयोध्या में बाकी जगहों पर भी चलेंगे। तो यही है दोस्तों राम की पैड़ी, और ये जो राम की पैड़ी है सरयू नदी से लगा हुआ है। तो आगे चल के दोस्तों हम आपको सरयू नदी भी दिखाएँगे। तो चलिए अब हम सरयू नदी की भी तरफ चलते हैं, जिसकी धारा बहुत ही तेज है। तो आइए ये जो राम की पैड़ी है ये सरयू नदी से ही लगा हुआ है। और आइए आपको दिखाते हैं सरयू नदी और राम की पैड़ी से सटा हुआ यहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप अगर बनारस में गए होंगे, काशी में गए होंगे, तो काशी में भी गंगा नदी के किनारे आपको बहुत सारे घाट और मंदिर देखने को मिल जाते हैं। तो वैसा ही आपको अयोध्या में भी बहुत सारे आपको प्राचीन आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आपको ये सरयू नदी दिखाते हैं, जिसकी धारा भी काफ़ी तेज है और पानी भी बरसा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी धाराएं बहुत तेज हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यही है सरयू नदी, जो कि राम की पैड़ी से ये लगा हुआ है, जिसकी धारा भी आप देख सकते हैं बहुत तेज़ धारा में इसका पानी चल रहा है। और इसी नदी पर एक ब्रिज भी बना हुआ है।
तो सच में दोस्तों ये जो राम की पैड़ी है और सरयू घाट, सरयू नदी बहुत ही अद्भुत जगह है और मुझे लगता है कि अयोध्या में इससे खूबसूरत जगह आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये राम की पैड़ी बहुत ही क्लीन जगह है, तो आप अयोध्या में जब कभी भी आइए तो यहाँ पर आना आप ना भूलिएगा। यहाँ का स्नान का काफ़ी महत्व है, इसीलिए यहाँ पर आते हैं लोग काफ़ी दूर दूर से स्नान करने के लिए। जैसे गंगा स्नान होता है, सागर स्नान होता है, वैसे ही राम की पैड़ी का भी स्नान का एक अपना ही अलग महत्व है। तो यही है सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे ही पूरा अयोध्या सिटी बसा हुआ है। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर सरयू नदी में लोग बोटिंग भी कराते हैं और बोटिंग के माध्यम से भी आप इस नदी में आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। बारिश की वजह से सरयू नदी का पानी भी काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसका जो धारा है बहुत तेज़ धारा में इसकी पानी भी चल रही है। इस राम की पैड़ी से सटे हुए आपको बहुत सारे प्राचीन प्राचीन दोस्तों आपको मंदिर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, इन मंदिरों को देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि जो अयोध्या है बहुत ही प्राचीन नगरी है, एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं इस धार्मिक नगरी में दर्शन पूजन करने के लिए और राम की पैड़ी पर स्नान करने के लिए। राम की पैड़ी पर आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु भी आए हुए हैं और यहाँ पर स्नान करके अपने आप को पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी धार्मिक वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाता रहता हूं। तो आप लोग हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।